देखिए कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ना आपको वाइब्स नहीं आती, मज़ा नहीं आता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो पहले 10 मिनट में आपको बता देती हैं ले भाई पैसे पूरे हो गए जगह के, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। सो ये आ गया है जनाब हमारा उदो आइलैंड, सिर्फ 15 मिनट की राइड। खूबसूरत ये समुद्र की जो मिट्टी है उसी से पूरा सैंड आर्ट बनाया हुआ है 3D, कितना कमाल, इतनी सफाई से। क्या टेस्ट है। Assalamualaikum and good morning नाज़रीन from जेजू आइलैंड साउथ कोरिया के अंदर। और सुबह सुबह मैं इस वक्त अपने हॉस्टल से चेकआउट कर दिया और जो मैं सिग्वपो सिटी में रह रहा था जेजू आइलैंड से, आज मैं अब यहाँ से निकलने के बाद जा रहा हूँ जेजू आइलैंड के बिल्कुल नॉर्थ साइड पे, और इस साइड का नाम और इस सिटी का नाम है हमदेव बीच। तो ऑलमोस्ट 2-3 बसेस मुझे लेकर जानी हैं और पहले तकरीबन ऑलमोस्ट 25 मिनट की वॉक है इन बैग्स के साथ, और यही लाइफ है जनाब बैकपैकर की। बैग आप बांधते हैं अपनी बैक पे और निकल पड़ते हैं सुबह नई पॉइंट के ऊपर। तो जेजू आइलैंड का ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया, अब हम इसका नॉर्थ साइड वाली आज जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आपको अपना सफ़र दिखाते रहता हूँ, आ जाए मेरे साथ बींग अ ट्रैवलर के और एक्सप्लोर करते हैं जेजू आइलैंड की फर्दर साइड्स। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको पूरे कोरिया के अंदर बताऊं, शायद मैंने पहले पिछले एपिसोड में नहीं बताया, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होंगी ना, जैसा कि आपके बस टर्मिनल्स हैं, इवन बस है या सबवे स्टेशंस हैं, सबवे ट्रेन्स हैं, सब जगहों के अंदर आपको फ्री वाईफाई मिलेगा और अच्छा हाई स्पीड वाईफाई मिलता है। यानी अगर आप सिम नहीं भी लेते ना और पब्लिक प्लेसेस में जाते हो, रेस्टोरेंट्स में तो मिल ही जाता है लेकिन पब्लिक प्लेसेस में बड़ा अच्छा वाईफाई मिलता है। ऑलराइट जी, सो फाइनली बस से ड्रॉप कर दिया ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद, लेकिन फ़ायदा यही हुआ कि सुकून से एक ही बस में बैठ के मैं पहुँच गया हूँ। और लास्ट अब हमारी इस रोड से अब 10 मिनट की वॉक है जो कि बीच तक लेके जाएगी। एक दफ़ा बस आप रोड देखें और ये जगह देखें, कितना सुकून है यहाँ पे। एक टेंशन इस वक्त ये है कि खबरों में आ रहा है कि कोई तूफ़ान जो है वो 2 दिन बाद हिट करने वाला है जेजू आइलैंड को, और 2 दिन बाद ही मेरी यहाँ से फिर फेरी है और मैंने निकल के दूसरी तरफ बुसान की तरफ जाना है। तो वो ये ना हो कि तूफ़ान मेरा वो जो फेरी वाले दिन आ जाए। सो लेट्स सी क्या बनता है। अभी तो देखिए फुल धूप है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि जो सोल वाली साइड के ऊपर वहाँ पे इस वक्त बारिशें हो रही हैं और तूफ़ान वहाँ से वो गुज़र रहा है। तो लेट्स सी जनाब, अभी तो बिल्कुल आसमान क्लियर है और धूप और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। ओके जी, सो एज़ पर माई गूगल मैप लोकेशन पहुँच गई है। इधर कोई घर है जिसने अपने घर को गेस्ट हाउस में अफ्रीका, हाँ ये है जनाब अफ्रीका गेस्ट हाउस। बाहर से देखने में तो वो बड़ा सादा सा लग रहा है। हेलो, हाउ इज देयर ऑन द क्लाइमब। ऑलराइट, सो जनाब ये है व्यू, दिस इज द सिटिंग एरिया। व्यू तो बहुत कमाल है।
और रजी नाजरीन, तो चेक इन कर लिया गेस्ट हाउस में। क्या खूबसूरत गेस्ट हाउस, बड़ा ही सिंपल था, बड़ा सादा था, ऑल्दो एक्सपेंसिव था उस जगह से, $20 का है ये पर नाइट। बहुत बेसिक फैसिलिटीज़, एक खुला रूम है और एक ऊपर जो है वो मैट्रेस वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में व्यू के पैसे हैं, जो बिल्कुल बीच के ऊपर बना हुआ है। आपको ऐसा व्यू ऑब्वियसली आपको फिर बड़े रिजॉर्ट लेने पड़ते हैं ऐसे व्यू लेने के लिए, लेकिन हम हॉस्टल्स ऐसे ढूंढ लेते हैं जहाँ पे आपको ऐसे व्यू मिल जाएँ। तो बस मैं निकल पा रहा हूँ हॉस्टल से, और इधर ही अब यहाँ से हम दोबारा बस पकड़ेंगे और जाएंगे इधर एक उदो आइलैंड की तरफ। तो यहाँ पे इसके अगर आप ईस्ट साइड के ऊपर देखोगे तो जेजो आइलैंड का भी एक छोटा सा टुकड़ा है, जहाँ पे एक आइलैंड है, फेरी लेकर जाती है वहाँ पे। तो एक्सप्लोर करते हैं उस जगह को और देखते हैं कि कैसा है वहाँ पे, कैसी लाइफ है। तो दुनिया के दूर दराज इलाकों में जाने का मकसद यही होता है कि हम दूर दराज की सकाफत, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, ये सारी चीज़ें देख सकें। हर चीज़, हर जगह दुनिया की फैंसी और वो बड़ी वाइब्रेंट नहीं होती, तो लेकिन ट्रैवलर का असल मकसद यही होता है कि वो पूरी दुनिया को इस अंदाज से घूमे कि वो लोगों की ज़िंदगी को जान सके। मैं इससे पहले दुनिया के पता नहीं किस किस कोने में जा चुका हूँ, कहाँ कहाँ। जब आप लाइव देखते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ना आप अपने सोचते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वहाँ की दुनिया कहाँ बैठी हुई है और उधर क्या क्या इस टाइम जो है चल रहा है, और ये देखो ये दुनिया इस टाइम किन जगहों पर मसरूफ़ है। और इसी तरह ही जो काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडियंस वगैरह जो मेरे ब्लॉग देख रहे होते हैं, वो भी दुनिया के किस किस कोने के ऊपर बैठ के ये जगह देख रहे होते हैं। तो चलते हैं आपको दुनिया का एक और कोना दिखाने। ऑलराइट जनाब, सो पहुंच गए हैं हम बस स्टॉप के उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से अब हमें फेरी मिलेगी। काफ़ी लंबी राइड थी यार यहाँ पे बस की राइड। ये आइलैंड बहुत बड़ा है यार, देखने में इतना पिदूजा लगता है छोटा सा, लेकिन बहुत बड़ा। ओके जी, सो ये पैसेंजर टर्मिनल टिकट काउंटर तो आ गया है, हम लोग अंदर जाके अब लेते हैं यूडो फेरी टर्मिनल का टिकट, देखते हैं कितने का है। Come back to the yeah, return. $10,000 You work? Okay. Come back to the return ticket. Okay. Thank you. तो काफी ज़्यादा बच्चे वगैरह families आ रही हैं यहाँ पर। टर्मिनल सब बहुत अच्छे बनाते हैं ये लोग। कॉफी शॉफी है और आई थिंक अभी 12:30 निकलनी है, 12:15 हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये फेरी नीचे, अगर आपकी गाड़ी है तो आप गाड़ी अपनी इसी के अंदर लेकर आते हो, और ये देखें आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली अपनी रिवर्स करके BMW लेके जा रहा है SUV, और जो पैसेंजर हैं वो ऊपर बैठेंगे वहाँ पर। ऑलराइट जनाब, ये है अंदर कोई हॉल। तो अच्छा, तो बस ज़मीन पे बैठ के जाना है आपको। ये अंदर हॉल है, आपने सेंटर में शूज़ उतार देने हैं और अंदर बस आप ज़मीन पे हॉल में बैठेंगे, और अगर आपने हॉल में नहीं बैठना तो आप बाहर खड़े होकर जा सकते हो। और अपर डेक भी है, अपर डेक में चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे सिटिंग एरिया है, ऊपर से आपके व्यू दिखाते हैं। सब लोग अभी बिजी हैं, मैप्स वगैरह देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ओके जी, सो फाइनली निकल पड़ी है हमारी फेरी, टाइम पे निकल पड़ी है और फुल हो गया, पूरा हाउस फुल हो गया। अगर आप देखो तो कोरिया का फ्लैग और पीछे वही खूबसूरत पीक यार। सो ये आ गया है जनाब हमारा उदो आइलैंड, सिर्फ 15 मिनट की राइड, और रिटर्न टिकट इसका था हमारा 10,200 won का। ओके जी, तो ये थी सिर्फ हमारी 15 मिनट की राइड, और हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली ब्यूटीफुल उदो आइलैंड।
बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और लोग बस यहाँ पे एक डे ट्रिप के लिए आते हैं, वॉकिंग करने के लिए, कुछ कैफेज़ वगैरह में डे स्पेंड करने के लिए, और इधर साइकिलिंग वगैरह करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा तो यार देखिए, अगर आप कपल हैं, नॉर्मली इधर कपल आते हैं तो वो ये वाला चलाते हैं, कितना ज़बरदस्त इलेक्ट्रिकल स्कूटर है, ये राइड आप लोग करते हैं, ये चक्कर है, ये क्लोज्ड है। बच्चे को अंदर रख कर अनिकाजी हो ओके ले जी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, इधर भी ये है वो स्कूटर, यहाँ पे आपको मिलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलती हैं, थ्रू आउट इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त है, एक स्टाइलिश हार्ले डेविडसन की स्टाइल की। ओके जी, सो ये हमारी डन हो गई है इलेक्ट्रिक बाइक 10,000 वॉन के अंदर, विच इज़ आलमोस्ट 2,000 रुपीज़। ये आपको फुल डे के लिए दे देते हैं, मेरा तो इरादा है हम 4-5 तक बजे तक रहेंगे और फिर हम फेरी पकड़ के वापस चलेंगे। तो अपने ओजमो पॉकेट 3 को रखते हैं अंदर, और अपने बाइक के गैजेट्स हम अपने करते हैं रेडी, लेट्स गेट इनटू द बाइक। ओके नाज़रीन, ये तो बड़ी फिट सीन है यार। सो ये है इसकी स्पीडोमीटर, और 2 की स्पीड अभी मैंने कर दी है, और अब मैंने 3 की स्पीड कर दी है, और थोड़ा सा आपने पेडलिंग करनी है। तो ये थ्रू आउट आपको इधर साथ साथ आपने पेडलिंग भी करते रहना है आई थिंक, फिर ये चलती है। ओके जी, सो करते हैं एक्सप्लोर हम अपने उदू आइलैंड को। वाह जी, ये तो अभी आते ही बड़ा ज़बरदस्त एक मोड़ आ गया है, और क्या बीच आया है नादरीन, ये सारा इसका ब्लैक लावा अगर आपको नज़र आ रहा हो साइड पे फुल। तो इस पूरे आइलैंड पे ये मुझे जो इसको मैं रिजेंबल कर पा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप तुर्की में जाते हैं और उधर प्रिंसेस आइलैंड जाते हैं, वहाँ पे भी ये ई बाइक्स तो नहीं है, लेकिन उधर पहले घोड़े हुआ करते थे, फिर ई कार्ट्स। तो इधर अब ये देखो क्या ब्यूटीफुल कैफेज आ रहे हैं यार, एक पहले राउंड लगाते हैं पूरा, और फिर दरमियान में इधर ही हम कुछ कैफ़े में इनकी आइसक्रीम्स या कुछ स्नैक्स वगैरह इन्जॉय करेंगे। पहले एक दफ़ा पूरा राउंड लगाते हैं कि है क्या इनके पूरे आइलैंड पे। तो ज़्यादातर मुझे बेकरीज और कैफेज नज़र आ रहे हैं, और ये आ गया है अब एक अदद व्यू पॉइंट। तो जैसे ही पेडल में रोकता हूँ ये बाइक एकदम पावर इसकी रुक जाती है, तो आपको हल्की हल्की पेडलिंग करते रहना है, बस इसको फील होता रहे कि कोई बैठा हुआ है ऊपर, जैसे आप पैडलिंग रोकते तो फिर बाइक रुक जाती है। तो ये मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है ई बाइक का, मैंने आज तक नहीं यूज़ की, वैसे जो मोटराइज्ड है बाइक वो शायद मैंने की है, लेकिन साइकिल मैंने कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में यूज़ की। तो वो आज हमें एक्सपीरियंस मिला है उदो आइलैंड कोरिया में आने के बाद। तो एक्चुअल में पावर जो है वो सारी उसकी बैटरी दे रही है, बट आपको ज़रा हल्के हल्के से पैडल भी घुमाने होते हैं, स्लो स्लो जाना है, रोड बहुत पतली है जिसकी वजह से मुझे हल्का हल्का सा स्लो स्लो चलाना पड़ता है। ओके जी, सो ये आ गई है एक बहुत बड़ी मार्केट। अच्छा बसेस भी चलती हैं वैसे यहाँ पर, तो ये मार्केट एरिया है, स्नैक्स एरिया है, यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो, यार कोई चीज़ वाला वो मिल जाए तो ट्राई करते हैं, मुझे लगा तो है यहाँ पे वो चीज़ वाला मिल रहा है, पैनकेक, लेट्स ट्राई करते हैं इधर। ओके सो ये खाते हैं जी पीनट्स एंड चीज़, दिस वन राइट, ये चेक करो ये चीज़ का स्लाइस, और पीनट्स भी हैं और साथ हाँ सिर्फ पीनट्स का ही पूरा एक उन्होंने बनाया हुआ, इसको करते हैं बंद और इसको उठा दिया। ऑलराइट जी, सो आ गया है बड़ा ही ज़बरदस्त पैनकेक, गर्मा गर्म मेरा फेवरेट। चीज़ क्यों नहीं आई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चीज़ निकलेगी, लगता दूसरी साइड पे आया चीज़, पीनट्स उसने वो जो अंदर कूट के डाली हुई है ना उसका बड़ा मज़ा आया, जो सोल में खाया था ना वो मैदा था, लेकिन ये पूरा केक है,
अब ये चीज loving it man, loving it. Where are Pakistan? Pakistan. That was as usual delicious, मज़ा आ गया. और मज़ीद चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर भी पार्किंग ज़्यादा नज़र आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं. तो मुझे ये लगता है कि अभी तो मैं ज़रा धूप के टाइम पर हूँ, दोपहर 1 बजे, ये 4 बजे के बाद जो है ये इधर बहुत प्यारा वेदर होता होगा. लेकिन मसला ये है कि 4 बजे मुझे वापस जाना है. देखिए कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ना आपको वाइब्स नहीं आती, मज़ा नहीं आता और आप इंजॉय भी नहीं कर रहे होते. ना मैं दिल से व्लॉग बना रहा होता हूँ उस जगह का बाज़ुकात. और कुछ जगह ऐसी होती हैं जो पहले 10 मिनट में आपको बता देती हैं ले भाई पैसे पूरे हो गए जगह के, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. कि जेजो आइलैंड पे अभी तक के मेरे 4 दिन होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मेरा एक्सपीरियंस और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने आना है तो इसके काफ़ी ज़्यादा एंड्स हैं, और जो सबसे अच्छा एंड है वो या होमदुक बीच के पास है, और अगर होमदुक बीच पे रहते भी हो तो 1 आवर की बस राइड ली है मैंने, और हमने फेरी पकड़ी और फेरी पकड़ के आगे हैं पुदू आइलैंड पे. बहुत ही सुकून दे है यार ये तो, बंदा बस ऊपर से इलेक्ट्रिक बाइक का जो मज़ा आ रहा है ना, आपको एफर्ट ही नहीं करनी पा रही है, बस दो आप पैडल मारते हो और उसके बाद खुद ब खुद निकलती है. मेरा दिल चाह रहा है कि सारे स्नैक्स ट्राई करूँ, एक दफ़ा देख लेते हैं. ये अब आइसक्रीम कैफ़े है, पीनट कॉफ़ी आइसक्रीम, आए हाय हाय, ये जब काम पे कॉफ़ी लिख देते हैं ना फिर मुझे खुद ब खुद वहाँ पे अट्रैक्शन हो जाती है. जस्ट लुक एट दिस व्यूज़ यार, लुक एट दिस व्यूज़, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल राइड. तो बेसिकली इस रोड का तो मकसद ही यही लगता है कि ये इंजॉय करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि है ही ये पिकनिक आइलैंड एक छोटा सा. आपको जगह जगह पे बस डिफरेंट राइड्स नज़र आ रही हैं और कैफ़ेज, तो आपका भाई भी इसलिए यही इंजॉय कर रहा है, डिफरेंट कैफ़ेज, डिफरेंट स्नैक्स और बाइक. तो ज़्यादातर यहाँ पे कपल्स ही आते हैं, और कपल्स देखें आपको ज़्यादातर ये छोटे स्कूटर ही लेते हुए नज़र आ रहे हैं. ये स्कूटर हैं ऑलमोस्ट 35,000 के फॉर फुल डे. तो हम अपनी यहाँ पे एक साइकिल को करते हैं पार्क, और आई थिंक दिस इज़ द पार्किंग मे बी, और बीच पे चलते हैं. ओके ब्यूटीफुल. सो ये है जनाब वाइट सैंड, अच्छा वाइट सैंड नहीं है, ये मिनी स्टोन्स हैं, छोटे छोटे से स्टोन्स हैं. पास जाके आपको दिखाता हूँ, लेकिन समुंदर का कलर बहुत प्यारा है. मैं अपनी बीच सैंडल्स नहीं लेकर आया आज, जॉगर्स के साथ ही आ गया हूँ. सो बेसिकली ये चेक करें, ये छोटे छोटे से समुंदर के पत्थर हैं. वाह यार क्या खुदा की कुदरत, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. धूप आल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों ने कैंपिंग की हुई है यहाँ पे, अपनी अम्ब्रेलाज लगाई हुई हैं, कुछ ने अपने कैंप्स रखे हुए हैं. ज़्यादातर छोटे बच्चे इधर आके अपनी स्विमिंग कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं. वेरी वेरी ब्यूटीफुल यार, खूबसूरत. ब्यूटीफुल यार, ये मुझे पहली दफ़ा इस तरह के नज़र आए हैं. ये चेक करें, पत्थर पत्थर हैं ये, सैंड नहीं है, लेकिन वाइट पत्थर है सारा, बड़ा ही प्यारा, बहुत खूबसूरत, और पानी भी लश ब्लू जैसे आपको थाईलैंड में नज़र आता है. तो भाई हमदुक बीच तो अभी हमने जाना है शाम को, लेकिन एक्चुअल में जो ये उदो बीच है या उदो आइलैंड है, इसने पैसे पूरे करा दिए हैं. शाम को जाके देखेंगे कि हमदुक बीच में जहाँ पर हमने अपना हॉस्टल लिया है वो बीच कैसा है. इतना खूबसूरत कैफ़े है बाहर, ग्रीन ग्रास और कलरफुल इनके बेंचेस. तो अभी तो वैसे धूप है, लेकिन अगर हल्की हल्की जब जैसे ही बादल आता है और छाँव होती है, बड़ा प्यारा लगता है यहाँ पे. और ये है जनाब पीनट आइसक्रीम लाटे,
वाओ, कैसी होगी ये? ये है जीजू की बिसॉल्ट आइसक्रीम लाटे। कैफे की भी प्रॉपर बीच वाइब्स इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पर। पीनट कॉफी लाटे आइसक्रीम, ओके वन। ऑलराइट जनाब, हैवी, दिस इज हैवी। कॉफी हो, पीनट्स हो, आइसक्रीम हो, स्नेकर्स चॉकलेट ही बन गई। ऑलराइट जी, मजा आ गया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉप। तो इस बटन से ऑन होती है, लॉन्ग प्रेस किया, ये पहला गियर है, तो अगर मैं इसको हल्का सा भी पुश देता हूँ तो ये चल पड़ती है, बाकी फिर बैटरी उठा लेती है सारा लोड। हल्का हल्का सा आपको पैडल बस चलाना होता है। तो ये चेक करो, ये इन्होंने लाइव स्क्विड जो हैं वो सूखने लटकाए हुए हैं। ये एक बीच में ऑक्टोपस भी है, और वो देखो नीचे बच्चे पकड़ रहे हैं, पता नहीं यहाँ से क्या केकड़े पकड़ रहे हैं या क्या पकड़ रहे हैं। इस जगह पे तो नहीं आपको मिलता स्क्विड और ऑक्टोपस, ये सारे सूखने लटकाए हुए हैं, और इसके बाद वो सामने ही रेस्टोरेंट है, आप लोगों को बना के देते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और देखो। All right, Nazreen, and that is the end of the tour. आ गई है हमारी रेंटल बाइक शॉप भी, और हमारा टाइम भी ओवर हो गया है 4:30 बजे। मैंने कहाँ से ली थी, आई थिंक यहाँ से ली थी। रिटर्न करते हैं बाइक और अपनी कश्ती पे दोबारा बैठकर चलते हैं। That's it. वैसे इस आइलैंड पे मैंने एक वीडियो सॉन्ग भी शूट किया था, लेकिन वो वीडियो इस व्लॉग के एंड में शेयर करूँगा। ऑलराइट जी, फेरी आ गई है हमारी। चलते हैं अपने हॉस्टल, और फिर थोड़ा सा फ्रेश होके शाम को चलते हैं अपनी हेमदोक बीच की तरफ। ऑलराइट नाज़रीन, सो तकरीबन मैंने 2-3 घंटे नींद ली, बड़ा मज़ा आया यार इधर पहुंचने के बाद। और अब शाम हो रही है, सनसेट होने को है, ऑलमोस्ट 5:30 हो गए हैं, और ये है जनाब हमारा अफ्रीका गेस्ट हाउस। तो मैंने ऑनर से पूछा कि यार आपने इसका नाम अफ्रीका गेस्ट हाउस क्यों रखा है, कहते मैंने काफ़ी ज़्यादा दुनिया फिर ली है, और पाकिस्तान भी कहता मैंने फिरा आके काफ़ी आपका नॉर्दर्न पार्ट, लेकिन सिर्फ जो मेरा रीजन रह गया वो अफ्रीका रह गया। तो कहता है कई साल हो गए मैं जा नहीं पा रहा अफ्रीका, तो मैंने कहा चलो अपने इस गेस्ट हाउस का नाम भी अफ्रीका रख लेते हैं, तब तक हम जियेंगे। तो ये अब जनाब इन्होंने पीछे ऊपर अफ्रीका गेस्ट हाउस रखा हुआ। तो एनीवेज जनाब, वॉक करते हैं हम अपने समुंदर के साइड पे, भूख मुझे लग रही है शदीद, और ऐसी जगह पे आके जो फूड हंटिंग है, फूड सर्चिंग है, वो भी एक एक्टिविटी बन जाती है, इसी बहाने बंदा एक्सप्लोर करता है उस शहर को। तो शुरू में मैं आपको सुबह बता रहा था जब वहाँ से निकला था कि हम कुछ केव्स वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सीन बैड ये हुआ है कि केव्स जो हैं उनके अंदर कोई लावा वगैरह और कुछ पत्थर जो है ना वो गिर गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने केव को क्लोज़ कर दिया फ़िलहाल आज के दिनों में टूरिस्ट के लिए। तो हम वो तो नहीं कर पाएंगे, हम इसका बस कोस्टल एरिया करेंगे। एंड दिस इज एन अदर ब्यूटीफुल यार, बहुत ही खूबसूरत एक फैमिली बीच साइड ये भी बनी हुई है, और यहाँ पे ज़रा पब्लिक ज़्यादा है तो मैं थोड़ा आपको दूर दूर से दिखाता हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बीच है, इसका सैंड एरिया भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे तो इवन मुझे सैंड आर्ट भी नज़र आ रही है। जो मैंने पिछले 2 दिन गुजारे वो है ज़रा नेचर के करीब, रेलिवेंट टू फॉरेस्ट और हाइकिंग्स, और इसके अलावा वाटरफॉल्स और वो। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको बीच एक्टिविटी नज़र आती है, स्विमिंग वगैरह, वाटर स्पोर्ट्स और मैनी मैनी अदर थिंग्स। खूबसूरत ये समुंदर की जो मिट्टी है उसी से पूरा सैंड आर्ट बनाया हुआ है 3D, कितना कमाल, इतनी सफाई से, वाह।
ये अगर आप बस इसके ऊपर एक पत्थर फेंकेंगे ये सारा टूट जाएगा। नीचे लिखा है जेजू लेयर हीलिंग फेस्टिवल, नीचे डॉल्फिन है, ऊपर बच्चा है, ये सर्फिंग कर रही है लड़की, और इसके अलावा एक ये भी है, बच्चे बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये हैं भाईजान सैंड आर्ट बनाने वाले। तो समुंदर के बिल्कुल साथ साथ इन लोगों ने बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक बनाया हुआ, और मज़े की बात यह है कि ये ट्रैक पूरा यहाँ से ऊपर इस माउंटेन के वो टॉप तक जा रहा है। लो जी, यहाँ पे तो कोई फिल्म शूट चल रहा है, सारी दुनिया इधर ब्लैक ड्रेसिंग में आई हुई है, कुछ फिल्म शूट भी चल रहा है और वैसे भी शायद लोग ब्लैक ड्रेसिंग में हैं, और उसके साथ साथ ब्लैक लावा, अख्तर लावा इधर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये वाली साइड जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेडिंग शूट्स चल रहे हैं, जितने भी कपल शूट्स हैं वो इस साइड के ऊपर हो रहे हैं। 90% लोग मुझे यहाँ पे ब्लैक कपड़ों के अंदर ही नज़र आ रहे हैं, और आई थिंक इनका जितने भी शादी का ड्रेस होता होगा इधर ट्रेंड तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक का ही नज़र आ रहा है। सारे के सारे कपल और फोटोग्राफर से ये वाली जगह बड़ी हुई है। ओके जी, तो मैं आ गया था लोटेरिया, जो लोटे है यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी, उनका रेस्टोरेंट है आई थिंक, और इनका फास्ट फूड है, और इनका जो सी फूड वाला बर्गर है वो इनका हलाल होता है, सेपरेट फ्राई होता है। और मेरी इंस्टाग्राम की फॉलोअर हैं अभी, मुझे उन्होंने बताया, फायज़ा किरमानी, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपने ज़रूर खाना है, वो इधर बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी, तो ये उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर मैं खा रहा हूँ। तो बेसिकली ये श्रिम्प का है, श्रिम्प बर्गर है, और इन्होंने श्रिम्प्स को छोटे छोटे पीस करके उसकी स्क्वायर शेप के अंदर उसकी दो जो पैटीज़ हैं ना वो बेसिकली बनाई हुई हैं। ये आप देखो, तो ये इसके अंदर सारा श्रिम्प है, बाय क्रम्स लगे हुए हैं, वो हुए हुए है, क्या खुशबू आ रही है। तो फायज़ा किरमानी, ये आपकी वजह से मैं खाने लगा हूँ, ये बिस्मिल्लाह। आला, क्या टेस्ट है। बेसिकली श्रिम्प का कीमा बनाया हुआ लोगों ने, हल्की सी सीजनिंग है अंदर, नेचुरल टेस्ट है उसका सारा का सारा, और बाकी उनकी जो मायो लगी हुई है उसका टेस्ट है। अच्छा, ये इसकी प्राइस है 5900 बॉन पाकिस्तानी, आप 1200 रुपीज़ पाकिस्तान में, तो ये 1200 का भी ना मिले, बहुत महंगा मिले अगर सी फूड हो। टू गुड। ले जी, मैं तो खाना खाने में बिजी हो गया हूँ, बाहर आया हूँ, तो इधर तो कोई शो चल रहा है, ओपन है, सारी दुनिया बैठी है, फायर शो चल रहा है। मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, अगर कोरियन समझ आती होती तो शायद हमें भी समझ आ जाती है, लेकिन पता नहीं अभी फिलहाल क्या चल रहा है। तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, आज का दिन थोड़ा सा स्लो था, नॉर्मल था, हमने एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया, लेकिन इसकी जीजू की बेस्ट जगह को ज़रूर एक्सप्लोर कर लिया, जो कि सबसे खूबसूरत इनका आइलैंड लगा, इसका जो टुकड़ा लगा मुझे सबसे प्यारा लगा, पिछले वाली जगह से ये वाली जगह मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगी। तो आपने फॉलो करता रहना है बीइंग अ ट्रैवलर को, क्योंकि अभी हमने जेजू आइलैंड को कवर मज़ीद थोड़ा सा करना है, और उसके बाद हमने बुसान को भी कवर करना है, जो कि कोरिया का एक और दूसरा फेमस सिटी है। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।